Mansoori from Ratlam Public School. Today we will learn how to improve eye hand coordination activities. So let's start. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चे के आई हैंड कोऑर्डिनेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यह इसलिए जरूरी है कि कुछ बच्चे लाइन के बाहर कुछ इस तरह से लिख देते हैं, जबकि उन्हें ऐसे लिखना होता है। उनका हैंड ऐसे आगे पीछे होता है, ट्रेस करने में भी बच्चे ऐसे आगे पीछे कर देते हैं। बट आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होता, इसलिए वह प्रॉपरली सीधे तरह से ट्रेस नहीं कर पाते हैं। ऐसी कुछ एक्टिविटी है जिनमें आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि बच्चा प्रॉपर ट्रेस कर सके और प्रॉपर लिख सके। सबसे पहले आप बच्चे को डिफरेंट साइज का पेपर दीजिए, कोई छोटा कोई बड़ा, और बच्चे को स्क्रिबल करने को कहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे को पेपर की बाउंड्री पता होगी, वो अपने हाथ को कंट्रोल करना सीखेगा, स्टार्ट और कहाँ स्टॉप करना है वो सीखेगा जब वह लिख रहा होगा। नेक्स्ट आप उन्हें पेपर रिंग्स बनाकर दीजिए, जिसके ऐसे होल बड़े हो। आप उन्हें मोती भी दे सकते हैं, उसका होल बड़ा होना चाहिए। आपको बच्चे को कहिए कि आपको एक माला बनाना है, इससे बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन मूव होगा, और इसे ऐसे डालने से बच्चे का आई और हैंड कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगा। कोई भी थ्रेड भी ले सकते हैं, इस तरह से पेपर रिंग्स को थ्रेड में डालना है और एक माला बनानी है। नेक्स्ट आप बच्चे को डॉट पेंटिंग कराइए कुछ इस तरह से। आप एक ईयरबड दे दीजिए बच्चे को और कुछ कलर दे दीजिए, और उसे छोटे छोटे सर्कल में कोई भी लेटर दे दीजिए या ड्राइंग बना दीजिए, और बच्चे से कहिए कि ईयरबड की हेल्प से इसे ट्रेस करें। ईच सर्कल में वो ट्रेस करें, इससे बच्चे का आई और हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत इम्प्रूव होगा। और वो अच्छे से लिखना सीख पाएगा। इन सब चीज़ों को करने में बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होगा, क्योंकि वो बहुत ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि इन डॉट को कलर से फील करेगा, और फील करते टाइम आई हैंड कोऑर्डिनेशन इसलिए इम्प्रूव होगा क्योंकि वो अपनी आंखों से डॉट देखेगा और ईयरबड से उस डॉट को कलर करेगा इस ईयरबड के थ्रू। सो यह सभी बहुत सिंपल एक्टिविटी है जो घर पर ही बनाई जा सकती है। यह सब एक्टिविटी देखने में बहुत छोटी होती है, बट बच्चों को इसका बहुत फायदा होता है, क्योंकि जो इनिशियल स्टेज में जो इनकी सेंस होती है, इनका जो डेवलपमेंट होता है, समझने का कॉन्सेंट्रेशन, वो सब इम्प्रूव होता है इन एक्टिविटी के थ्रू। ओके, थैंक यू।